ई चैनल एंड वेलकम टू अनादर वीडियोज सो ये जो वीडियो है ये हल्का सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मीशो से मैंने अब तक जितने भी वीडियोज़ किए हैं सारे के सारे हॉल वीडियोज़ थे बट ये वाला जो वीडियो है मतलब मैंने हॉल वीडियो में ही ये प्रोडक्ट दिखाया था एंड इट इज़ द सक्शन थिंग फॉर ब्लैक हेड्स एंड आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू यहाँ पे मैंने बस फेस वॉश किया और मैं नहाई थी तो फिर गर्म पानी से नहाई थी तो मेरे पोर्स जो थे वो ओपन ही थे क्योंकि गर्म पानी से नहाई थी तो यहाँ पे मैं इनस्फ्री का ब्लैक हेड आउट बाम लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जो भी पोर्स है वो काफ़ी और भी ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए एंड ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सो so ये मैंने लगा लिया टू गेट माई ब्लैक हेड्स आउट ईज़िली तो अच्छी तरीके से इसे मसाज करना है फॉर थ्री टू फोर मिनट्स सो so, यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मसाज कर ले रही हूँ लेना है तो यहाँ पे मैं रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ आप पानी से भी इसे वाइप कर सकते हो इसे अच्छी तरीके से वाइप करना ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए सो so, यहाँ पे इस अच्छी तरीके से मैं इसे वाइप कर ले रही हूँ उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का लगता है अटैचमेंट्स के साथ आता है एंड ये जो है टू सेटिंग्स इसके आते हैं ये फर्स्ट वाला सेटिंग है एंड ये जो दूसरा वाला सेटिंग है सो so, एक जो सेटिंग है ये आपको थोड़ा बहुत यू नो सक्शन देगा और सेकेंड वाला जो सेटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा सक्शन देगा अगर आपके ब्लैक हेड्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टबन है सो यूज़ द सेकेंड वन जिसमें थोड़ा ज़्यादा uh, सक्शन हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यू uh, नो you know, कैसे मैं मतलब अपने फेस पे से प्लेस करी हुँ? एक जगह पर इसे ज़्यादा देर तक होल्ड करके मत रखना क्योंकि uh, जो सक्शन बनेगा उससे आपके जो स्किन पे मतलब थोड़ा सा रेडनेस आ सकता है सो कीप मूविंग दिस एंड जहाँ जहाँ पे मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ पे मैं मतलब दो तीन सेकेंड तक रखूँगी बाद में बट अभी तो मैं बस इसी तरीके से पूरे फेस पे से लगा ले रही हूँ एंड जो सक्शन है उससे मेरे जितने भी ब्लैक हेड्स है एक्सेस ऑयल है वो निकल जा रहा है सो so ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि ये इसे करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड इसे हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपकी जितनी भी ब्लैक हेड्स है वो निकल जा आएंगे एंड नोज एरिया पे जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहां पे मैं कर रही हूँ एंड अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने हैं तो मेक श्योर sure कि आप उस एक्टिव एक्ने पे इसे ना घुमाएं बिकॉज इट मे वूंड योर फेस तो जहां जहां पे मेरे पिंपल्स हैं ना वहां वहां पे मैं नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी एंड ब्लैक हेड्स जैसे चेक करना है तो मुझे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को घुमा रही हूँ एंड कुछ भी अगर बम्पी एरिया दिखे तो इस, uh, मतलब फील हो तो इसका ये मतलब है कि वहां पर थोड़े से ब्लैक हेड्स हो सकते हैं या सीबम प्रोडक्शन हो सकता है तो वहाँ पे मैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रख रही हूँ जैसे कि नोज़ एरिया एंड जो चीक एरिया है एंड ऑल्सो चिन एरिया तो बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं एंड ये जो प्रोसेस है आपको हार्डली यू नो फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स भी नहीं मतलब टू टू फोर मिनट्स करना है एंड अच्छी तरीके से ये आपके जो ब्लैक हेड्स हैं निकल जाएंगे एंड उसके बाद बस आपको फेस को ना वाइप कर लेना है एक बारी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे राइट चीक पे थोड़ा सा वूड हो गया है क्योंकि वो पिंपल था एंड उस पर मैंने गलती से घुमा दिया सो डोंट डू दैट क्योंकि वो वून मतलब रह सकता है स्कारिंग थोड़ी सी हो सकती है सो so आपको बस वही एरियाज़ पर घुमाना है जो जहाँ पे आपके एक्टिव एक्ने ना हो एंड फेस आपका थोड़ा सा रेड हो जाएगा बिकॉज सक्शन होता है ना इसीलिए एंड ये टावल भी मैंने मीशो से ही लिया इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है ये आइस बैग या फिर हॉट वाटर बैग है इसमें बस मैं आइस डाल रही हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है टू यू नो क्लोज़ योर पोर्स आप इसके बाद फेस पैक भी लगा सकते हैं बट यहाँ पे मैं ये आइस पैक लगा रही हूँ आइस बैग लगा रही हूँ दिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इवन इफ़ आपको थोड़ी बहुत सोरिंग है या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप डेफिनेटली ये जो बैग है इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आता है इसका भी मैं कोड uh, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये तो हर किसी के पास होना ही चाहिए मस्ट हैव प्रोडक्ट है सो so बस इसी तरीके से करना है एंड ये जो प्रोसेस है आप हफ्ते में एक बार ही कर सकते हो एंड आप देखोगे आपकी जो ब्लैक हेड्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे मोस्टली अगर आपको वन फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ की चीज़ भी चाहिए तो मोस्टली फ्री डिलीवरी ही होता है बट अगर आप दूसरे जगह पर अमेजोन फ्लिपकार्ट अगर आप देखोगे तो अगर आप मेंबर नहीं हो तो आपको फाइव हंड्रेड के ऊपर फ्री डिलीवरी होता है बट मीशो पे ऐसा कुछ नहीं है सो so डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो ज्यादातर डिलीवरी चार्जेस नहीं आपको देने पड़ेंगे एंड uh, किस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल करना है आप मैं आपको शॉर्ट वीडियो प्ले करके बताऊंगी आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को, को समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट अगर आपको ये ऐप पैसे कमाने के लिए चाहिए तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट पे जो आपको आ, बेचना है वो आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वाले कुर्ता सेट्स मिलते हैं तो यहाँ पे एक पे मैंने क्लिक कर लिया एंड अगर आपको किसी को सेल करना है तो बस आपको कोई भी ग्रुप पे इसको शेयर कर देना है एंड इमेज एंड डिस्क्रिप्शन के साथ आपको शेयर कर देना है तो उसके बाद मान लो आपको ऑर्डर मिल गया या फिर आपको किसी भी तरीके का ऑर्डर प्लेस करना है खुद के लिए या किसी और के लिए तो आपको वो प्रोडक्ट पर जाना है एंड साइज सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट करना है एंड उसके बाद कार्ट में जाना है तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अगर दूसरे के लिए कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी अगर खुद के लिए कर रहे हो तो भी कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप ऑनलाइन ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो एंड इसी तरीके से बस आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर आप दूसरे के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है मार्जिन में आपका जो भी मार्जिन है डालना है तो यहाँ पे मैं फ़िफ्टी टू रुपीज़ का मार्जिन डाल रही हूँ जो फिफ्टी टू रुपीज़ अगर मैं बेचूँगी तो मुझे वो मिल जाएगा एंड ऐसी ही कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी है तो एड टू कार्ड करना है एंड मार्जिन के जगह जो भी प्राइस दिया हुआ है जैसे 598 दिया हुआ है आप 599 डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं देख लिया मीशो इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप मेरे दिए लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे ट्वेंटी एंड मैक्सिमम हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा तो ये जो प्रोडक्ट है आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलेगा एंड इफ एट ऑल आपको ये नहीं परचेज करना हो तो आप दूसरे भी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं एंड मैंने मीशो के और भी ज़्यादा हॉल वीडियोज़ किए हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा प्ले लिस्ट बना है वो आप चेकआउट कर सकते हैं तो पे लिंक्स नहीं होते कूपन मतलब कोड्स होते नॉट कूपन कोड्स कोड्स होते तो कोड्स से आपको सर्च करना पड़ता है प्रोडक्ट एंड वैसे आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो ये जो प्रोडक्ट है इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी तो आप ये प्रोडक्ट करके देख सकते हैं इसे सैनिटाइज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया सो डेफिनेटली डू गिव दिस प्रोडक्ट ट्राई दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग